तो दोस्तों मैं आज आपको लेकर के आया हूँ ब्रह्मा डाडा के मंदिर, और यहाँ हम जयप्रकाश जी से बातचीत करेंगे और वह हमारे को ब्रह्मा डाडा के दर्शन कराएंगे। जय श्री कृष्ण। जयप्रकाश जी बिल्कुल साहब, हमारे को ब्रह्मा डाडा के दर्शन स्वागत है। बिल्कुल साहब बिल्कुल, तो हमारे को दर्शन कराओ ब्रह्मा डाडा जी के। आज बड़े भाग्य की बात है। अच्छा, आज ब्रह्मा डाडा का दिन भी है, माघ शुद्ध सातम। जी, माघ शुक्ल पक्ष सातम को ब्रह्मा डाडा की जन्म है। हाँ, और आज यहाँ पंचकुंडली यज्ञ का आयोजन भी गायत्री परिवार के द्वारा आयोजन किया गया था, जिसमें 7 जोड़े बैठे थे और उन 5 कुंडली यज्ञ को संपन्न हुआ। ब्रह्मा डाडा को कितना समय हो गया? ब्रह्मा डाडा को समय तो 1200 वर्ष हो गए। अच्छा, 1200 वर्ष। 1200 वर्ष हो गए। करीबन 20 पीढ़ी हमारे पूर्वज में थे ये ब्रह्मा डाडा। अच्छा, 20वीं पीढ़ी में हम आते हैं हमारे। बिल्कुल, तो हमारे को ब्रह्मा डाडा के दर्शन करवाइए। पधारो, आपको ब्रह्मा डाडा के समाधि के दर्शन करवाते हैं। ये है हमारे ब्रह्मा डाडा के समाधि स्थल। ये है हमारे ब्रह्मा डाडा की समाधि स्थल, जीवन समाधि। ये जीवन समाधि स्थल है। अच्छा, यह जीवित समाधि स्थल है। तो आचार्य जी, जैसा के कहा जाता है कि उनकी एक चोटी भी यहाँ पर चोटी थी, जो हमारे दादाजी पूनमचंद जी उनके समकक्ष जो थे उन्होंने उस चोटी को देखा है। उसके बाद वो चोटी धीरे धीरे अंदर की ओर चली गई और इस मंदिर का जीर्णोद्वार होता गया। पहले एक छोटा सा कोठिया था, अब इसको थोड़ा ज्यादा आबादी बढ़ रही है हमारे भाइयों की, उस हिसाब से मंदिर को भी थोड़ा विस्तृत करते जा रहे हैं, बता रहे हैं। पहले ये केवल मात्र एक चौकी थी, अब उसके ऊपर इस प्रकार का ये गुंबद और ये बना करके दिया गया है और इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। अच्छा, तो यहाँ पर जो वर्ष में नवरात्रि आती है उसमें क्या किस तरह के आयोजन? हर साल में 2 बार जब भी नवरात्रि आती है तब यहाँ हमारा पूरा परिवार यहाँ आते हैं। अखंड ज्योत होती है यहाँ पर और 9 दिन सुबह शाम दोपहर 3 बार त्रिकाल आरती होती है, और नवें दिन जो है वो अपने या अष्टमी या नवमी को होम होता है। उसमें पूरे आचार्य बंधु यहाँ पर आते हैं, जो किले पर और नीचे दोनों तरफ रहते हैं वो सारे आते हैं। जो जैसलमेर से बाहर भी आचार्य रहते हैं वो भी वो जब भी किसी काम से यहाँ आते हैं, चाहे मांगलिक वो यहाँ से दर्शन किए बिना नहीं जाते, क्योंकि ब्रह्मा डाडा का मूल जो स्थान है ना वो यही है। इसलिए ज़्यादातर बीकानेर कलकत्ता बाहर जो भी है वो जब भी जैसलमेर जब पधारते हैं तब इस अपने हवेली में आकर के ब्रह्मा डाडा के समाधि स्थल और इनकी जो इष्ट देवी थी गायत्री, इन दोनों को दर्शन किए बिना नहीं जाते यहाँ। तो जो गायत्री माता का जो उनका इष्ट था उनका यहाँ कोई स्वरूप है हमारा, उसकी काला बना हुआ है उनका, और ये उन्हीं के हाथ से बना हुआ है, ब्रह्मा डाडा के हाथ से ये बना हुआ है। ये है हमारे गायत्री, जो मेन गायत्री जो तस्वीर अपने मूर्ति थी वो इसी ब्रह्मा डाडा के द्वारा लाई हुई थी साथ में। अच्छा, जो यह अंदर मूर्ति विराजमान है यह गायत्री माता की? गायत्री माता की, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया गायत्री माता का। और भी यहाँ पर क्या क्या स्थान है? और है हमारे ये जो कुल देवी है चामुंडा। अच्छा, चामुंडा, ये चामुंडा की मूर्ति है, इसको भी प्राण प्रतिष्ठा करके यह विराजमान किया गया है। तो यह चामुंडा माता की जो मूर्ति, यह हमारी कुल देवी है। अच्छा, आपकी कुल देवी। तो यह मूर्ति कितनी पुरानी हो सकती है? कितनी पुरानी हो सकती है मूर्ति? करीबन 40 वर्ष है तो हम देख रहे हैं इनको। अच्छा, 40 वर्षों से तो हम देख रहे हैं इनको, यही पूजन करे। हमारे जो पूर्वज थे वो भी यहाँ जब नवरात्रि में आते थे तब उसको करते थे, और पहले तो ये मतलब मकान कच्चा वगैरह था, तो जब भी ब्याह शादी होते थे नहीं तो केवल रसोइयों का काम इसमें होता था। फिर धीरे धीरे हम लोग सक्षम होते गए, या ब्रह्मा डाडा की कृपा हम पर होती गई और हमने इसको पूरा एक भवन टाइप बना दिया, हवेली टाइप बना दिया। हॉल बना हुआ है वो कलकत्ते के हमारे जो बंधु थे उन्होंने ये बनवाया था। और ये फोटो है जो हमारे पूर्वजों का है, जिसमें हमारे परदादा जमुना दास जी जो बीच में बैठे हैं, ये जमुना दास जी का फोटो है ये, ठीक है। ये सारे हमारे पूर्वज है, ये सारे आचार्य बंधु, ये हमारे, ये बहुत दुर्लभ फोटो है ये। इस फोटो को अपन कितना पुराना समझ सकते हैं? ये कम से कम, अब जमुना दास जी को हमने देखा नहीं है,
ठीक है नहीं, पूनम सर जी को जरूर देखा है, कम से कम ये 100 साल 150 साल तो 100 साल तो कम से कम पुराना फोटो है ही, कम से कम ज्यादा भी हो सकता है, ये हमारी बहुत ही दुर्लभ फोटो है। अच्छा, हमारी परंपरागत ये कहते वस्त्रों के अंदर परंपरा ये हमारे पूरे जमनादार जी और सुल्तानचंद जी दो परिवार थे, उन दोनों के ये सारे पुराने बुजुर्ग हमारे ये सारे इसी में बैठे हैं ये सारे। एक विशेष बात ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम आचार्य कुल के दर्शन करने आते हैं जोड़े से, तो हम जो बहुएं होती है वो इनसे घूंघट निकाल के इनके दर्शन करती है, बिना घूंघट निकाले दर्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे इनका बुजुर्ग मानते हैं दादा परदादा के हिसाब से जो भी पुत्र वधु पौत्र वधु आती है वो घुंटा काट के ही इनके दर्शन करती है, इसे एक सत्य इनका सम्मान करती है। ये है हमारा स्थाई हवन कुंड है, इसमें साल में दो बार नवरात्रि की पूर्णावती इसमें होता ही है, उसके अलावा भी जैसे आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है उसको भी मुख्य जो हवन कुंड था वो यही था, उसके अलावा 4 हवन कुंड और थे लेकिन मुख्य हवन कुंड यही था ये सारा। तो आज यहाँ क्या कार्यक्रम? आज पंचकुंडी यज्ञ हुआ गायत्री का, ठीक है, उसमें गायत्री परिवार के सदस्य यहाँ आए थे और हमारे पूरे आचार्यों का परिवार पूरा यही था। अच्छा, तो सब पत्नी की यहाँ सब पत्नी कितने जोड़े? सब पत्नी के करीबन 20 परिवारों के सदस्य यहाँ थे आज हमारे, और जो गायत्री परिवार आए थे उनको प्रसादी करके दक्षिणा दे करके और उनको यहाँ से प्रस्थान करवाया गया यहाँ से उनको। एक हमारे ये पेड़ है जो कनेर है, ठीक है न, ये करीबन 38 साल पुराना है, ये इस पेड़ को 74 ये जो हमारा कनेर का जो पेड़ है ये 48 साल पुराना है, ये साल जिस समय इस स्थान को जागृत करने के लिए जय कृष्ण जी आचार्य बल्लभदास जी व्यास बालकृष्ण जी व्यास और पुष्पा देवी गोपा या व्यासों की पत्नी थी, उन्होंने भी जो इनको किले पर स्कूल होने के कारण बहुत बड़ा सहयोग दिया गया और उनके कारण इसमें साल भर फूल लगते रहते हैं, जो जब भी यहाँ पूजा करने के लिए जो आते हैं तो वो ये पुष्प जो होते हैं ये कनेर के जो कि देवी के लिए लाल रंग के पसंद होते हैं उनको, ये पुष्प जो है वो यही होते हैं। अभी भी इसमें पुष्प लगे हैं? अभी भी पुष्प लगे हुए हैं ऊपर की और देखे नहीं तो पुष्प लगे हुए हैं वहाँ पर, और जब भी गणगौर का त्यौहार आता है उसमें जो औरतें और कन्याएं जो पुष्प गणगौर के लिए करते हैं वो यहीं से ले जा करके किले वाली जो औरतें और वो यहीं के पुष्प लेकर कर और सुगंध में करते हैं और अपने गवर देवताओं की पूजा करते हैं, ये सारा एकदम पूरा भरा हुआ होता है ये सारा उसमें। आज का जो माघ शुद्धि सातम शुक्ल पक्ष का जो आज जो आयोजन हुआ है उनके मेन जो कर्ता धर्ता थे वो ये श्री कृष्ण जी आचार्य पुत्र भगवान दास जी आचार्य थे, इनके प्रयासों से ये आज हमारा इस गायत्री परिवार के माध्यम से इस पवित्र स्थान पर इस प्रकार का एक सफल आयोजन किया गया, ये हमारे परिवारों के लिए सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जावे और हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने आज हमारे को इस प्रकार के ये दर्शन करवाए पंचकुंड ये। वर्तमान में किले में से कोई अपने वर्तमान में किले पर अगर कोई भवन नहीं होते हैं शादी ब्याह के लिए तो उनकी पहली इच्छा ये रहती है कि इस पवित्र स्थान पर ही फेरे खुवाएं ताकि हमारा सुहाग अखंड बना रहे, इस प्रकार की एक परंपरा थी यहाँ पर। शादियाँ खूब हुई है यहाँ, शादियाँ और अवसर खूब हुए यहाँ पर, उनकी रसोइयाँ यहीं बढ़ती थी शादी। और यह स्थान ब्रह्मडाडी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मडाडी की हवेली नाम से जाना जाता है, जिसको भी कभी कोई ऐसा होता है कि ब्रह्मडाडी की हवेली में आज खाना हवेली आज खुली है तो कुछ उनको हलचल है तो हलचल आज के दिन होती है लगातार 5 दिन लगातार वाला क्या था ओसर, मतलब थोड़ा सा ओसर के बारे में बताइए। न्याति खाना यानी कि ओसर बीकानेर के बुड्ढा बीड़ी वाले परिवार के नाम से श्रीपत परिवार है, उन्होंने अपने बुजुर्गों के लिए यहाँ लगातार 5 दिन तक 5 अवसर किए थे और पूरी पुष्कलों की न्यात है
वो यहाँ पर उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। यह घटनाक्रम कितना पुराना हो सकता है? साठ वर्ष पहले की बात। कुंडा बीड़ी वाले अभी बीकानेर में रहते हैं, कोल गेट के पास श्रीपद पुरोहित है। अपने मकान जगह भाड़ो जॉय रे ओम जी देवी ने ओम जी जॉय हुआ परिवार।